यहां की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है, ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला वहां के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड ने देश भर के न जाने कितने तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से या तो रोका है या फिर घंटों इंतजार करवाया है और कुछ लोग तो थक करके वापस भी चले गए। अब बद्रीनाथ जी की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुखद हो जाएगी। आज बद्रीनाथ जी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अनेक सुविधाओं से जुड़े नए प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हुआ है। भाइयों और बहनों, इस देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, उद्यमी भी आते हैं, प्रकृति प्रेमी सैलानी भी आते हैं। इस भूमि का जो सामर्थ्य है उसे बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, दोगुनी तीन गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये परियोजनाएं इस दशक को, मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं, ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। भाइयों और बहनों, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से पर्यटन और तीर्थाटन को कितना लाभ होता है, बीते वर्षों में केदार धाम में हमने अनुभव किया। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था।
जब भी कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे, यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। साथियों, पहले जब भी मैं उत्तराखंड आता था या उत्तराखंड आने जाने वालों से जरा मिलता था तो वो हमेशा कहते थे, मोदी जी, दिल्ली से देहरादून की यात्रा गणेशपुर तक तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन गणेशपुर से देहरादून तक बड़ी मुश्किल होती है। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। हरिद्वार रिंग रोड परियोजना से हरिद्वार शहर को जाम की बरसों पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क भी और आसान होगा। भाइयों और बहनों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर्यावरण सुरक्षा के साथ, विकास के साथ हमारे विकास के मॉडल का भी प्रमाण होगा। इसमें एक तरफ उद्योगों का कॉरिडोर होगा तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। ये कॉरिडोर यातायात तो सरल करेगा ही, जंगली जीवों को भी सुरक्षित आने जाने में मदद करेगा। हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।